हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लड्डू। ये लड्डू खासकर नवरात्रि और जन्माष्टमी के पर्व पर बनाए जाते हैं। आइए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये 1 kg चुलाई है, ये बाजार में मिल जाती है। हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। ये 1 kg ही शक्कर या गुड़, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे कढ़ाई में डालें और गैस ऑन कर दें और इसमें 2 कप पानी डालें। आंच को मीडियम रखें, मीडियम टू लो रखें। और इसको चलाते रहें। हमें इसे बीच बीच में चलाना है। पानी सिर्फ 2 ही कप डालना है 1 kg शक्कर में, जो चाय के कप होते हैं मीडियम वाले। इसके हमें चाशनी तैयार करनी है। आंच को मीडियम टू लो ही रखें, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। जब हमारी चाशनी तैयार होने वाली होती है तो उसका कलर थोड़ा बदल जाता है। हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है, देखिए, यानी कि हमारी चाशनी बन चुकी है। अब इसे उतार लें और चुलाई में डालें, आधी आधी कर लें चुलाई को और उसमें आधी ही चाशनी डालें। ये 1 kg चुलाई थी, हाथ से मत मिलाएं। इसे हम करछी की सहायता से ही मिक्स करें। गर्म गर्म ही इसमें डालनी है। इसे हाथों से उछालेंगे, जैसे मतलब क्या होते हैं बुढ़िया के बाल हो जाते हैं ना, सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसको ऐसे सॉफ्ट करना है, उछाल उछाल के। बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करें। आपके परफेक्ट लड्डू बनेंगे। ये लड्डू बनाने की भी खास ट्रिक होती है, हर किसी पे नहीं बनते हैं।